नालंदा में शनिवार को भूमि विवाद को लेकर पोता ने दादा को गोली मार दी है। बीच बचाव करने आई एक युवती भी गोली की चिंगारी से जख्मी हो गई है। मामला बेना थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवाय बीघा गांव का है। मृतक की पहचान नालंदा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव निवासी स्वर्गीय मेवा चौधरी के 90 वर्षीय पुत्र रामरक्षा चौधरी के रूप में की गई है। वर्तमान में मृतक अपनी बेटी के ससुराल में पिछले 15 वर्षों से रह रहे थे। मृतक के नाती सुधीर कुमार ने बताया कि 10 बीघा जमीन को लेकर 15 सालों से पोतों से विवाद चला आ रहा है। मामा की मौत के बाद उसके नाना उन लोगों के साथ ही रहने के लिए आ गए थे। कुछ दिन पूर्व वह एक जमीन की बेचने की बात कह रहे इलाज के लिए कह रहे थे। इसी खुन्नस में उनका चारों पोता आया और घर में घुसकर फायरिंग कर दी। इस शूटआउट में उसके नाना की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन जख्मी हो गई। बेना थानाध्यक्ष जय किशन कुमार ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर पोते ने ही घटना को अंजाम दिया है। बुजुर्ग को कुल 4 गोलियां लगी है, इसके कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं बीच बचाव करने आई उनकी नातिन को गोली छूकर निकल गई, इसकी चिंगारी से वह भी जख्मी हो गई। इसका इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुट गई है। सूचना मिला कि शिवाय विघा ग्राम में एक व्यक्ति को गोली मार दिया। अच्छा, थाना प्रभारी एवं हम लोग सब कर्मी को वहाँ घटनास्थल पर गए, देखे कि गोली लगाई मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ था। तो गोली दो लोग को ना मारा है, एक और महिला को लगी है गोली। महिला की गोली लगी है, लेकिन उसको कनपट्टी जिंदा सत्तर के पार कर दिया। तो विवाद क्या चला पता? विवाद जमीनी विवाद बताया जा रहा है। कहाँ का ये घटना है? ये ग्राम शिवाय विघा बिना थाना अंतर्गत। क्या नाम है अपने का भैया? अबोध कुमार। जमीनी के विवाद ही। हाँ, क्या हुआ? इलाज में नाना अपना जमीन बेच रहे थे। हाँ, तो उसी समय में उसको बसा कर कि इलाज के पैसा नहीं लेंगे, जमीन नहीं बेचे। हाँ, उसी में आकर गोली मार। गोली मारा कौन है? होता। अच्छा, तो कौन लोग थे गोली मारने वाले? सोनू मोनू गुंजन 18 पोता हुआ। गोली कई को लगा है? गोली इनको 4 गोल लगा है। 4 गोली। अच्छा, टोटल गोली कितने लोगों को लगा है? 2 लोगों के। वो कौन कौन है? देखो, ये नाना हुई है, वो मेरा बहन। उनका इलाज चल रहा है बहन का जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार।